लैपटॉप निर्माता कंपनियों के बीच छिड़ी पुरानी जंग अब बजट रेंज तक पहुंच गई है। कीमतें अब तक की सबसे निचले स्तर पे हैं। आज की तारीख में 15,000 रुपए से कम में काम चलाओ लैपटॉप खरीदना बहुत मुश्किल नहीं है। डेल, एचपी और एसर जैसे बड़े ब्रांड भी इस सेगमेंट में प्रोडक्ट उतारते हैं। मजेदार बात यह है कि आपको इस कीमत में विंडोज 10 लाइसेंस वाला सिस्टम मिल जाएगा। आइए एक नजर उन लैपटॉप पे डालते हैं जो आपकी बजट में बिल्कुल फिट बैठेगा। आईबॉल कॉम्बुक i360 2-in-1 टच स्क्रीन लैपटॉप है जो टैबलेट की भी भूमिका निभा सकता है और इसकी कीमत 15,000 रुपए से कम है। कॉम्बुक i360 की बैटरी इसके पक्ष में जाती है। कॉम्बुक i360 में एंटल एटम X5Z8300 चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है। फ्लैश स्टोरेज 32GB है और रैम 2GB है। आईबॉल का यह लैपटॉप भले ही दो भूमिका निभाने में सक्षम हो, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह एक एंट्री लेवल हार्डवेयर है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें ना पालें। आरडीपी थिनबुक कम कीमत वाले लैपटॉप की भूमिका सही तौर पर निभाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट कहीं से सस्ता लगता है। सच तो यह है कि बजट के हिसाब से कंपनी ने इसके बिल्ड पर अच्छा काम किया है। 14.1 इंच का डिस्प्ले 1366x768 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला है। इस लैपटॉप में सक्षम इंटेल एटम X5Z8300 चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है और आपको साथ में 2GB रैम मिलेंगे। फ्लैश स्टोरेज 32GB है और ब्लूटूथ 4.0 मिलेगा। 9,999 रुपए वाला आरटीपी थिनबुक सस्ते दाम में आपको बड़े डिस्प्ले वाले लैपटॉप का अनुभव देता है और यह एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आईबॉल कॉम्बुक एग्जेम्प्लियर में इंटेल एटम Z3735F प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। यह बेहद ही पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आम इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपको ज्यादा लोकप्रिय और सस्ते लैपटॉप में यही सीपीयू मिलेगा। कॉम्बुक एग्जेम्प्लियर में 2GB रैम है और फ्लैश स्टोरेज सिर्फ 32GB है। आईबॉल उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिसने कुछ सस्ते पार्ट को एक साथ लाकर एक उपयुक्त बॉडी में पिरोने की कोशिश की है। इससे भ्रमित मत होइए, यह लैपटॉप की बॉडी में बेहद ही सस्ता टैबलेट है, लेकिन यह काम करता है। सच कहें तो इस प्राइस रेंज में हमारे द्वारा रिव्यू किए गए यह सबसे बेहतरीन लैपटॉप में से एक है। डिस्प्ले वाले इस लैपटॉप की सबसे अहम खासियत इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी है। इसका वजन मात्र 1.1 किलोग्राम है। करीब 10,000 रुपए वाला माइक्रोमैक्स का यह प्रोडक्ट एक बेहतरीन विंडोज 10 लैपटॉप है। अगर आपको इस साइज में लैपटॉप चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं और आप इसकी स्टोरेज को 64GB तक के माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ा पाएंगे। अब एक नजर उन चुनिंदा लैपटॉप पर जिन्हें हमने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन कागजी तौर पर ये आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगे। डेल के इस 11.6 डिस्प्ले वाले लैपटॉप का रिजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल है। यह LED बैकलिट है और इसमें 2.4 GHz इंटेल सेलेरॉन N3060 प्रोसेसर के साथ 2GB रैम दिए गए हैं। फ्लैश स्टोरेज 32GB की है। विंडोज 10 होम पर चलने वाले इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में कंपनी ने 10 घंटे की लाइफ का दावा किया है। Asus E200HA में भी 11.6 इंच का डिस्प्ले है। 1.92 GHz इंटेल एटम X5Z8350 प्रोसेसर के साथ 2GB रैम दिए गए हैं। स्टोरेज 32GB की है। मजेदार बात यह है कि इस लैपटॉप का वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। विंडोज 10 पर चलने वाले इस लैपटॉप में आपको USB 2, USB 3 और HDMI के एक एक पोर्ट मिलेंगे। एसर का यह लैपटॉप असूस और डेल के प्रोडक्ट की तुलना में छोटे डिस्प्ले के साथ आता है। अहम फीचर की बात करें तो इसमें 1.44 GHz इंटेल एटम X5Z8300 प्रोसेसर के साथ 2GB रैम दिए गए हैं। फ्लैश स्टोरेज 32GB है। विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस लैपटॉप का वजन 1.2 किलोग्राम है। बैटरी के बारे में कंपनी ने 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ का दावा किया है। उम्मीद है कि अब आपको सस्ते लैपटॉप खरीदने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। स्मार्टफोन के रिव्यू और फीचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज पढ़ने के लिए hi.gadgets360.com पर लॉगिन करें।